हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम्स फॉर विन। और अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज शाम को होने जाने वाला स्पेनिश लीग का मैच, जो कि होने जा रहा है रियल वालादोलिद और डेपोर्टिवो अलावेस के बीच में। दोनों ही काफ़ी अनयूजुअल टीम्स हैं, मतलब बड़ी टीमें नहीं हैं ऑफकोर्स, और दोनों ही टीमों का परफॉर्मेंस का ग्राफ भी जितने मैचेस हुए हैं इन दोनों टीमों के, 6 ही मैचेस हुए हैं वैसे तो, लेकिन जितने मैचेस हुए हैं काफ़ी नीचे रहा है। और ये दोनों टीमें ही ओवरऑल हार्डली मिड टेबल या फिर उससे नीचे ही फिनिश करती हैं, और या फिर रेलिगेशन के लिए फाइट करते हैं, ऐसा ही इनका स्टेटस रहता है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप ना ही इन टीमों से और ना ही इस मैच से रख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जो गोल करें या फिर जो असिस्ट प्रोवाइड करें उससे उसके आसपास भी कोई ज़्यादा आपको पॉइंट स्कोर करके ना दें, ठीक है। लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं और सिर्फ गोल स्कोरर या असिस्ट मेकर्स के अलावा भी, और किन प्लेयर्स को आप ले कर टीम बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो ध्यान से जो है सुनते जाना। ये मैच होसे होरिया में होने जा रहा है, जो कि रियल वायदुद का होम ग्राउंड है। करंट पोजीशन की बात करें, 6 मैचेस हुए हैं, उसके बाद रियल वायदुद 19th पोजीशन पर है 20 टीमों की टेबल में, और अलावेस 18th पोजीशन पर है। ये कुछ इंजर्ड प्लेयर्स हैं जो कि आज के मैच में नहीं खेलेंगे। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था वहाँ पर रियल वायदुद 1-0 से जीती थी। जो हुआ था इस मैच पर, एकमात्र गोल उनके सेट पीस से आया था, जो कि कह रहा था फर्नांडेस ने। नोटिस करने वाली चीज़ यह है कि दोनों ही टीमों के अटैकिंग थर्ड में कुछ भी ज़्यादा क्वालिटी की आप उम्मीद यहाँ पर नहीं रख सकते। कुछ प्लेयर्स फिर भी एट द एंड ऑफ द सीज़न अच्छा करे थे, जैसे कि लुकस पेरेज जो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ था अलावेस के होकर, लेकिन यहाँ पर वो कुछ खास कर नहीं पाए थे। डिफेंसिवली भी रियल वायदुद अच्छी थी, मिडफील्ड में भी उन्होंने अच्छा कंट्रोल वगैरह करा था, और यहाँ पर कुछ भी खास बताने के लिए नहीं है। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि एक आध गोल स्कोरर्स के अलावा अगर आप फैंटेसी की तरफ से देख रहे हैं तो ज़्यादा कोई पॉइंट भी आपको यहाँ पर स्कोर करके देंगे नहीं, तो इसीलिए काफ़ी स्पेसिफिक होना यहाँ पर ज़रूरी है। नहीं तो ज़्यादा पॉइंट्स आपको कोई भी ज़्यादा इधर उधर से कलेक्ट करके देंगे नहीं। बहुत ही स्पेसिफिक कुछ प्लेयर्स होंगे, हो सकता है कि मैच के एंड में 14 या 15 प्लेयर्स ही हों जो कि कुछ हद तक अच्छा पॉइंट कलेक्ट करके दें, और बाकी के जो प्लेयर्स हों वो शायद 10-20 के आसपास ही उनका पॉइंट घूमता रहे। तो स्पेसिफिक होना इन मैचों में काफ़ी ज़रूरी होता है छोटे टीमों के मैचेस में। तो रिपोर्ट की अगर हम बात करें, दोनों ही टीमों का अटैकिंग थर्ड बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब था। वालादोलिद यहाँ पर सेट पीस से उन्होंने गोल करा जिसकी वजह से वो जीत गए। वायदुद ओवरऑल बेटर टीम थी, उन्होंने पोजीशन रखा, विंग्स का इस्तेमाल किया, मिडफील्ड कंट्रोल किया। इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे अगुइरे गाविरिया, हेरबियास जिन्होंने टैकल्स वगैरह यहाँ पर जीते थे, अगुइरे गाविरिया आपको दिख जाएंगे यहाँ पे राइट बैक खेलते हुए, और हेरबियास यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे राइट साइड से वायदुद के होकर। मगालान के टैकल्स, फर्नांडेस जिन्होंने गोल करा था, सबसे ज़्यादा पासेस उनके थे क्योंकि वायदुद ने पोजीशन रखा था, और उनाल जो कि अभी स्क्वाड का पार्ट नहीं है, इनके सबसे ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट थे, वो शायद बेंच से आए थे। तो बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं। अभी रीसेंट कुछ मैचेस की बात करें, ज़्यादा मैचेस हुए नहीं हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो बहुत ज़्यादा आइडिया हमें इस सीज़न के इन दोनों टीमों के बारे में नहीं है। पिछले सीज़न के मैचेस ज़रूर हुए हैं, लेकिन उसके बाद टीमें बदली हैं, प्लेयर्स अदल बदल हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा आइडिया हमें नहीं है दोनों टीमों के बारे में, ठीक है। तो इसीलिए कुछ भी चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल हैं अभी तक, उसी के बेसिस पर हम बात करेंगे। रीसेंट मैचेस की बात करें तो रियल वायदुद का यहाँ पर हुएस्का से उन्होंने 2-2 की बराबरी करी थी, और इस सीज़न में अभी तक मेरे ख्याल से रियल वायदुद ने सिर्फ 3 गोल करा है ओवरऑल 6 मैचेस के बाद, और उनमें से 2 गोल इस मैच में उन्होंने करा था। तो थोड़ा सा अटैकिंग स्ट्रेंथ जो है वो आपको यहाँ से समझ आएगी। अगर आप थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो दो गोल हुए थे ना, एक गोल किया था पेनल्टी से रूबियो ने, और एक गोल हुआ था सेट पीस से, मतलब दोनों ही गोल सेट पीस से ही आए हैं। मतलब यहाँ पर फिर से ही अटैकिंग थर्ड के प्लेयर्स का खास कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा नहीं। धीरे रिपोर्ट पे आ जाते हैं। वायदुद यहाँ पर बेटर टीम थी, लेकिन ऑफुल मिडफील्ड कंट्रोल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर पाए थे वो, इसके वजह से डिफेंस एक्सपोज हुआ, और जहाँ से मल्टीपल एरर्स वगैरह आए जिसकी वजह से गोल कंसीड करना पड़ा। नहीं तो अभी तक जो चल रहा है इनका हालत, 2 गोल इनके लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसको भी वो डिफेंड नहीं कर पाए। सेट पीस से गोल करा, लेफ्ट साइड से ज़्यादा यहाँ पर अटैक किया। यही जो ऑस्कर प्लानो है, ये इनके टीम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिडफील्ड में तो खेलते हैं, लेकिन अटैकिंग थर्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन रखते हैं, और इससे भी ज़्यादा ये डिफेंसिवली भी बहुत अलर्ट है। तो इनके इर्द गिर्द काफ़ी अटैकिंग मूव्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये टीम के नंबर 10 भी है वैसे।
उसके बाद टोनी विया जो अटैकिंग मिडफील्ड में खेलते हैं, इनके टैकल्स वगैरह आपको दिख जाएंगे। ओवरऑल ये पूरी टीम ही काफ़ी डिफेंसिव है, और ये इनकी स्ट्रेंथ वगैरह नहीं है, ये इनकी मजबूरी है, क्योंकि बाकी और कुछ वो कर भी नहीं सकते हैं। अगर कम से कम डिफेंसिव थर्ड में लोगों को ज़्यादा ला के अगर किसी तरह से एक आध पॉइंट सैलवेज करा जाए तो यही इनका टारगेट होता है। इसीलिए इनके अटैकिंग थर्ड के जो प्लेयर्स होते हैं ना, वो भी कुछ हद तक आपको डिफेंसिव जो पैरामीटर्स होते हैं जैसे टैकल्स वगैरह, इंटरसेप्शन वगैरह, इनके पॉइंट्स आपको कलेक्ट करके दे सकते हैं। तो टोनी विया आप देख सकते हैं यहाँ पर अटैकिंग मिडफील्डर के तौर पर खेल रहे थे, लेकिन फिर भी उनके टैकल विन सबसे ज़्यादा। उसके बाद यानिक जो इनके सेंट्रल डिफेंस में इसी दिन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अटैकिंग थर्ड में भी सेट पीसेस में भी वो काफ़ी डेंजरस नज़र आ रहे हैं। हालांकि मेरे ख्याल से अभी तक गोल नहीं करा है, लेकिन किसी भी दिन गोल भी आपको करके दे सकते हैं। उसके बाद गोंजालेस जिन्होंने गोल करा था, और लुकस पेरेस जो इनके अटैकर हैं जिनके क्लियरेंस वगैरह हैं, अब आपका नाम लुकस पेरेस नहीं है जो राइट बैक पेरेस खेल रहे थे। उसके बाद बेटिस के अगेंस्ट में 0-2 से हारे, ऊपर आपने कुछ हद तक उनकी स्ट्रेंथ देखी, जीते तो अभी तक एक भी मैच नहीं है भालादोई, तो उस तरह से आपको उनकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से नहीं समझ में आएगी इसी दिन के अगर मैचेस को हम देखेंगे तो। लेकिन थोड़ा सा बहुत जो स्ट्रेंथ है सेट पीस में स्ट्रेंथ है आपने देखा, अटैकिंग थर्ड में स्पेशली विंग पे इनके कुछ अच्छे प्लेयर्स वगैरह हैं, और यहाँ पर कुछ खास वगैरह नहीं है। और यहाँ पर रियल बेटिस ने इनको 2-0 से हराया था। ये करते क्या है मालूम है कि डिफेंस में ये लोग बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, और इसके वजह से क्या होता है इनके जो अटैकिंग थर्ड के प्लेयर्स हैं ये भी डिफेंसिवली पॉइंट देते रहते हैं जो मैंने पहले ही आपको बताया। तो इसीलिए बहुत बुरा खेलने के बावजूद भी इनके आगे इसमें बहुत ज़्यादा गोल्स आप होते हुए देखेंगे नहीं। ऑफकोर्स मैं अगर यहाँ पे रियल मद्रिद, बार्सिलोना, एथलेटिको मद्रिद जैसे बड़ी टीमें खेलेंगी तो शायद रिजल्ट अलग भी हो सकता है, लेकिन मैं इनके बराबरी लेवल की टीमों की बात कर रहा हूँ। तो इनके अगेंस्ट में जब वो मैचेस को खेलते हैं चाहे वो जीते या हारे, बहुत ज़्यादा स्कोर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे इधर साइड, एक या दो गोल मैक्सिमम और यहीं से काम हो जाता है। यहाँ पर रियल बेटिस ओवरऑल इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करा था, लेकिन सिर्फ दो गोल वो कर पाए, उनमें से एक गोल पेनल्टी से किया था नाबिल फकीर ने। तो यही चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रहा था, अगर आप देखेंगे ओवरऑल टीम यहाँ पर ख़राब खेला था रियल वायदेद का, लेकिन लोग ज़्यादा लाने की वजह से यहाँ पर वो काम पर गए। और उसका प्लान आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट विंग पे खेल रहे थे, पिछले जो मैच का मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया वहाँ पर वो लेफ्ट साइड पे खेल रहे थे। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट दे वर बीटन थैंक्स टू बैड फिनिशिंग फ्रॉम बेटिस, इसकी वजह से वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। वायदेद ने राइट साइड से इस्तेमाल किया, जाहिर सी बात है जहाँ से उसका प्लान खेलेंगे वहीं से उनका अटैक वगैरह चलता है, पोजीशन नहीं रख पाए थे। कीके पेरेस यहाँ पर सबसे ज़्यादा टैकल्स इन्होंने जीता था, जिन्होंने जो कि बेंच से आए थे। उसके बाद गोंजालेस जो कि सेंट्रल डिफेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक गोल भी ऑलरेडी कर चुके हैं, और मेरे ख्याल से ये जो दोनों ही डिफेंडर्स हैं ना, गोंजालेस और फर्नांडेस, दोनों ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मतलब डिफेंसिव पैरामीटर्स इनके सही हैं ही, और सेट पीस में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आखिरी जो हेड टू हेड मैच देखा था आपने, फर्नांडेस का गोल भी देखा होगा वहाँ पर, और जिमेनेस के सेव्स वगैरह यहाँ पर हैं। तो ये है वायदेद के बारे में, ज़्यादा कोई क्वालिटी नहीं है मैं सही बताऊँ तो, जो चीज़ें हैं कि ये डिफेंसिव टीम है काफ़ी, स्ट्रेंथ नहीं है उनका या फिर स्टाइल नहीं है उनका, ये उनकी मजबूरी है। लोग बहुत ज़्यादा लगा देते हैं वो डिफेंसिव थर्ड में जहाँ से उनका काम वगैरह होता रहता है, इसके लिए उनकी अटैकिंग थर्ड के प्लेयर्स भी कुछ हद तक पॉइंट देते रहते हैं। एक आध प्लेयर है अटैकिंग थर्ड में जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं अपने टीम में, कम से कम स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ, बड़ी लीग में आप चाहे कुछ भी करें डिफेंस में, लेकिन दो तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फर्नांडेस और यहाँ से गोंजालेस, ये दोनों नाम तो आपने देख ही लिए। आगे भी मैं कुछ नामों को आपके लिए कंसीडर करवाऊंगा जो आप अगर चाहें अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं। अभी डेपोर्टिवो अलावेस के बारे में बात करें तो इनका कुछ पॉजिटिव रहा है इस सीज़न में, मतलब वैसे तो ये भी 18th पोजीशन पर ही हैं 20 टीमों की टेबल में, लेकिन उन्होंने एथलेटिक बिलबाओ को हराया है इस बीच में। ठीक है, एथलेटिक बिलबाओ काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम होती है, बड़ी बड़ी टीमों को वो मतलब पसीना निकाल देते हैं वो अपने डिफेंसिव स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करके, लेकिन यहाँ पर अलावेस ने उनको रोक दिया था ना सिर्फ, और उनको हराया भी था, और वो भी तब जो उनके एक प्लेयर डाउन भी हो चुके थे। अभी एथलेटिक बिलबाओ ज़्यादा अटैकिंग टीम है नहीं, इसीलिए अलावेस के जो लूप होल्स वगैरह थे वो उनको एक्सपोज नहीं कर पाया, लेकिन किसी भी तरीके से आप इनकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। यहाँ पर अटैकिंग थर्ड में इनके पास भी क्वालिटी ज़्यादा नहीं है, पहली बात तो क्लियरली आप समझ लीजिए। इनके भी डिफेंस में कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करके ही इनको काम वगैरह करना पड़ता है। पिछले सीजन में भी अलावेस 17th और कुछ पोजीशन पे थी, तो ऑलरेडी आप समझ ही सकते हैं कि इनके पास ही बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं है, लेकिन एथलेटिक बिलबाओ को यहाँ पर उन्होंने हराया था। क्या क्या हुआ था अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो, डिस्पाइट पुअर फिनिशिंग एंड अटैकिंग फेलियर्स एंड वन बीइंग वन मैन डाउन, बहुत ही बढ़िया डिफेंस उन्होंने करा था जिसकी वजह से वो जीत पाए थे। सेट पीस से गोल हुआ था, जो गोल उनके कोई डिफेंडर ने करा था बेंच से आके, डिफेंसिव मिडफील्ड ने भी यहाँ पर अच्छा काम करा था, मतलब ओवरऑल डिफेंस यहाँ पर अच्छा था। बिलबाओ ने यहाँ पर विंग का इस्तेमाल करा था, जिसको यहाँ पर इनके जो दोनों विंग बैक्स थे इन्होंने ब्लॉक कर दिया था, एक विंग बैक तो यहाँ पर रेड कार्डेड भी हो चुके थे इस चक्कर में।
इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर्स की बात करें, लेजुने इस नाम को जरा गौर से देख लीजिएगा, और नवारो ये शायद इनके राइट बैक खेलते हैं, सेंट्रल डिफेंस में भी खेल सकते हैं, नहीं तो राइट साइड से ऑपरेट वगैरह करते हैं। इन दोनों के स्टेटिस्टिक्स वगैरह काफ़ी बेहतरीन हैं। लेजुने इनके टीम में ज़्यादा पोजिशन तो रख नहीं पाते हैं, जाहिर सी बात है छोटी टीम है क्योंकि, लेकिन जितने भी पासेस निकलते हैं लेजुने इनकी टीम में हाईएस्ट पासर रहते हैं हमेशा ही, और सेट पीस में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नवारो अटैकिंग थर्ड में भी काफ़ी अच्छा ऑपरेट करते हैं, जनरली फुल बैक के तौर पे खेलते हैं, यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर वो सेंट्रल डिफेंस में आ गए। डिफेंसिव स्टैटिस्टिक्स भी इनके काफ़ी सही हैं, और इंटरसेप्शन के मामले भी आपको नवारो और बट्टाग्लिया के परफॉर्मेंसेस दिख जाएंगे। दुआर्ते एक और कमाल के फुटबॉलर जो कि इनके लेफ्ट फुल बैक या फिर मतलब दूसरे किसी फुल बैक में खेलते हैं, इनके यहाँ पर क्रॉसेस वगैरह थे। एलचे के अगेंस्ट में यहाँ पर 2-0 से हारे, और यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं कुछ भी खास नहीं है मिडफील्ड से लेकर अटैकिंग थर्ड में। होसेलू इनके जो अटैकर हैं ये काफ़ी इन्वॉल्व रह रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से, मतलब हमेशा ये बॉक्स के आसपास घूमते रहते हैं, छोटा सा मौका अगर इनको मिल जाए तो वहाँ से इन्होंने एक आध गोल भी करा हुआ है, लेकिन ऑफकोर्स क्वालिटी कम है, पेनिट्रेशन पावर कम है, इसीलिए खास कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। इनके टीम में लुकस पेरेस का भी नाम आपको दिख जाएगा, पिछले सीजन में इन दोनों ने ही 11-11 गोल करे हुए थे, लेकिन इस सीजन में अभी तक जो मैचेस मैंने देखे हैं जितने हाइलाइट्स वगैरह बोल लीजिए या फिर लाइव मैचेस बोल लीजिए, वहाँ पर होसेलू मुझे बेटर लगे हैं, एक गोल भी इन्होंने करा है। लुकस पेरेस अभी तक तो अपने बेस्ट फॉर्म पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन हाँ एबिलिटी इनके पास भी है याद रखना, और यहाँ पर कुछ खास बताने के लिए नहीं है। डिफेंस यहाँ पर फ्लॉप होगी है क्या था, लेकिन फिर भी आपको नवारो का अच्छा परफॉर्मेंस दिख जाएगा। अगेन वीक डिफेंस एंड अटैकिंग फेलियर्स, इसकी वजह से यहाँ पर वो कुछ कर नहीं पाए। ऊपर तो ये चीज़ हमेशा ही उनके लिए कंटिन्यू रहती है, लेकिन ऊपर जो एथलेटिक बिलबाओ का गेंद मैच था वहाँ पर तो एक गोल फिर भी कर दिया था, और एथलेटिक बिलबाओ गोल नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ पर वो इतने लकी थे नहीं, पोजिशन भी नहीं रख पाए थे। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो एलआई के सबसे ज़्यादा क्लियरेंस आपको दिख जाएंगे, रोड्रिगो एलआई या एली जो भी इनका नाम है, ये भी सेट पीस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और ऊपर जो एथलेटिक बिलबाओ के अगेंस्ट में 1-0 से जीता आपने देखा, वो गोल एली ही करे थे बेंच से आकर। नवारो के फिर से परफॉर्मेंस आपको दिख जाएंगे, उसके बाद हावी लोपेस जो बेंच से आया था सबसे ज़्यादा क्रॉसेस वगैरह निकाला था। तो ये है दोनों ही टीमों के हालत को आप समझ ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ क्वालिटी अटैकिंग थर्ड में नहीं है। आप सेफ रहने के लिए हो सकता है 2 या 3 स्ट्राइकर को ले सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन तो कम से कम नहीं है, और ये अभी तक आप देख ही सकते हैं। इवन जो आखिरी हेड टू हेड मैच हुआ था वहाँ पर भी एक ही गोल हो पाया था, और वो भी सेट पीस से, ना ही किसी अटैकर के द्वारा। तो ये सब कुछ देखने के बाद मेरा जो प्रेडिक्शन है इस मैच में ज़्यादा गोल्स की नहीं है। अभी क्या है देखिए, दोनों ही टीम बहुत ज़्यादा अच्छी डिफेंसिव टीम भी नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा दाव यहाँ पर भी नहीं खेल सकता कि गोल्स बिल्कुल होंगे ही नहीं, लेकिन क्योंकि अटैकिंग थर्ड की क्वालिटी कम है तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि इस मैच में मेरा जो प्रेडिक्शन है 1-1 टाइप का कोई स्कोर लाइन आपको देखने को मिल सकता है, 1-1 के जगह पर 2-1, 1-0, इवन 0-0 भी पॉसिबल है, लेकिन मोटा मोटा जो मैं कहना चाहता हूँ कि एक लेस स्कोरिंग मैच होना चाहिए, और इसीलिए मेरा सजेशन यही होगा कि मिनिमम गोलकीपर को छोड़ के मिनिमम 4 डिफेंडर्स तो आपके टीम में ज़रूर होने चाहिए। देखिए अभी ये दोनों टीमों की क्वालिटी काफ़ी कम है, मिस्टेक्स वगैरह करेंगे, कार्ड वगैरह निकल सकते हैं, कोई प्लेयर रेड कार्डेड भी हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, और ये सब चीज़ों का कंसिडर करना पड़ेगा। ये बड़ी टीमें नहीं हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होगा, बहुत ज़्यादा क्वालिटी होगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो मैं उस बेसिस पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई भी टीम यहाँ पर कुछ भी कर सकती है क्योंकि अभी तक दोनों ही टीमों का जो फुल पोटेंशियल है अभी तक बाहर नहीं निकला है, ठीक है, आप समझ सकते हैं दोनों टीमों की हालत अभी काफ़ी ख़राब चल रहे हैं, इसीलिए तो मेरा फाइनल प्रेडिक्शन यही कुछ 1-1 या 2-1 टाइप का स्कोर लाइन होगा, लेकिन मैं जो टीम बनाऊंगा मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंसिव प्लेयर्स को लेने के लिए, क्योंकि अटैकिंग थर्ड के प्लेयर एक बार मिस हो सकते हैं, उनके परफॉर्मेंसेस खराब हो सकते हैं, लेकिन डिफेंसिव प्लेयर्स को हमेशा ही परफॉर्म करना होता है, और हमेशा ही उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती रहती हैं, चांसेस आते रहते हैं, अगर 10 चांसेस आए उनमें से वो 5 में भी मिस भी हो जाते हैं, बाकी 5 में अगर परफॉर्म कर दे तब भी उनका पॉइंट जो है काम पर आ जाएगा, तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा डिफेंसिव थर्ड के प्लेयर्स को ज़्यादा लेने की, और जेन्युइन जो अटैकर्स हैं उनके साथ जाने की। ये सेट पीस टेकर्स हैं, नोटिस कर लीजिएगा, यहाँ पर अगर ज़्यादा गोल नहीं होता है तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहाँ से मिचेल प्लानो ओडेलाना इनके नाम आपको दिख जाएंगे पेनल्टी टेकर्स की लिस्ट में। अभी तक इस सीज़न में कोई पेनल्टी वगैरह मिला नहीं है दोनों टीमों में से किसी को, तो पिछले सीजन के कुछ नाम हैं यहाँ पे, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं डिक्टेट नहीं कर रहा, स्टैटिस्टिक्स बताने लायक कुछ नहीं है, दोनों ही टीमों की तरफ से एक एक करके गोल किसी किसी ने करा होगा, इसीलिए ज़्यादा कुछ यहाँ पर बताने लायक नहीं है, और ऑलरेडी आप समझ ही सकते हैं एक टीम ने 3 गोल, एक टीम ने 5 गोल करे हैं 6 मैच के बाद। प्लेइंग 11 कुछ इस तरह की हो सकती है, जिन प्लेयर्स पे आपको नज़र रखना है मेरे हिसाब से, तो देखिए डिफेंसिव बात कर रहे हैं आप तो यहाँ से यामीक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंपॉर्टेंट है फर्नांडेस, और यहाँ से नवारो
लेजुने, ये चार मेरे ख्याल से आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। गोलकीपर के मामले में मैं जिमेनेस को मैं प्रायोरिटी दूंगा ज़्यादा। दो रीज़न हैं, एक तो स्टैटिस्टिक्स इनके बेटर हैं और दूसरी तरफ से इनके पास बेटर स्ट्राइकर्स हैं, मतलब शायद ये वालादोलिद की टीम है, तो जो भी हो इनके अगेंस्ट में हो सकता है ज़्यादा सेव्स करने पड़ेंगे जिमेनेस को। तो ये हो गए मेरे पाँच प्लेयर्स। टोनी विला ये काफ़ी अच्छे बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर मुझे नजर आते हैं, अटैकिंग थर्ड में भी कंट्रीब्यूट करते हैं और डिफेंसिव मेंटालिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी है, तो दोनों तरफ से पॉइंट की उम्मीद आप रख सकते हैं। ऑस्कर प्लानो उसके बाद जैसे मैंने बताया गुआर्डियोला वायादोलिद की तरफ से बेटर अटैकर है, कुछ हद तक इन्वॉल्वमेंट रखते हैं डिफेंस में भी। उसके बाद यहाँ पर मेंडेस एक और प्लेयर एडगार मेंडेस जो कि डिफेंस और मिडफील्ड में दोनों ही तरफ से लिंकअप करने की कोशिश करते हैं, ओरियाना अटैकिंग थर्ड के प्लेयर हैं। तो बाकी जो डिफेंसिव मैंने प्लेयर्स बताए उनके अलावा ये हैं चार जिनको आप मिडफील्डरों में से ट्राई कर सकते हो और अटैकिंग थर्ड में होसेयू और पेरेज में से ये। तो ये हो गए पांच प्लेयर्स, डिफेंडर मैंने चार आपको बता दिए, नौ यहां से, बाकी आगे देखते हैं हम किन किन को। अच्छा दुआर्ते यहां से एक और प्लेयर हैं, तो हो गए यहाँ से छः प्लेयर्स, डिफेंडर मैंने चार ऑलरेडी बता दिया, तो दस और एक गोलकीपर ग्यारह प्लेयर ऑलरेडी मैंने यहाँ से बता दिया। अगर ये खेलते हैं तो यही मेरे ग्यारह प्लेयर होंगे, जाहिर सी बात है, अगर कोई नहीं खेलता है तो अलग बात है। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम, इससे पहले मैं ड्रीम इलेवन की टीम दिखाऊं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और अगर आपको लग रहा है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम पे आ सकती है खुद से टीम बनाने में किसी भी तरह के लीग में, तो वो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और कमेंट बॉक्स में आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, ना सिर्फ इस वीडियो के बल्कि चैनल के बारे में भी, क्या अच्छा या बुरा लग रहा है आपको। और एक और काम आपको जो करना पड़ेगा वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उस लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सिवा भी अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे टीम्स फॉर विन लिख के तो 99K के ऊपर सब्सक्राइब वाला चैनल आपको दिख जाएगा, जल्दी से वहाँ पर ज्वाइन करिए और जल्दी से चैनल को 100K वाला बना दीजिए। और सब कुछ वहाँ पर फ्री पे आपको टीम मिलेगा भी, और ना सिर्फ फुटबॉल का बल्कि क्रिकेट बास्केटबॉल सारे मैचेस की स्मॉल लीग की टीम आपको वहाँ पर मिल जाती है, तो ज्वाइन जरूर हो जाना। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम इलेवन की टीम, तो मैंने इस तरह का एक टीम फॉर्म करा है, आप देख सकते हैं मेरे पास छः डिफेंसिव ऑप्शंस हैं इंक्लूडिंग गोलकीपर। रीज़न ये नहीं है कि मैं 0-0 सोच रहा हूँ, बल्कि रीज़न ये है क्योंकि मुझे बाकी प्लेयर से कोई ज़्यादा पॉइंट्स की उम्मीद नहीं है, और इनमें से कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं डिफेंसिव थर्ड में जो कि सेट पीस से काम आ सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया गोंजालेस, एलियामिक, दुआर्ते नहीं, दुआर्ते शायद तक ऐसे पोटेंशियल रख सकते हैं हार्डली, लेजुने, ये सेट पीस में भी गोल वगैरह करने की क्षमता रखते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर फर्नांडेस का ऑप्शन है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और सैंचेस, ये दोनों नाम मैं आपको कंसीडर करवा सकता हूँ अगर आप चाहें तो, इनके इनको ट्राई कर सकते हैं। कार्डेनो जो हैं ये अटैकिंग थर्ड में काफ़ी कंट्रीब्यूट वगैरह करते रहते हैं, क्रॉसिंग एबिलिटी इनके पास काफ़ी अच्छी है और कुछ खास नहीं है। मिडफील्ड में अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने ओडेदाना को रखा है अटैकिंग में कंट्रीब्यूट करने के लिए। टोनी विया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है मेरे लिए क्योंकि ये दोनों तरफ से पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं, और एडगार मार्टिनेस को, एडगार मेंडेस को मैंने रखा है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर ऑस्कर प्लानो को ट्राई कर सकते हैं, सिलेक्शन परसेंटेज अभी थोड़ा कम है लेकिन इनके ही इर्द गिर्द अटैक घूमता रहता है वायादोलिद का, अगर आप चाहें तो इनको ओडेदाना की जगह पर ट्राई कर सकते हैं। मिचेल एक और बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है, डिफेंसिव रोल पे ज़्यादा खेलते हैं इसीलिए गोल स्कोरिंग पोटेंशियल इनका थोड़ा कम है, टोनी विया के तरह ही है लेकिन टोनी विया थोड़ा अटैकिंग पोजीशन पे खेलेंगे और मिचेल थोड़ा डिफेंसिव पोजीशन पे खेलेंगे। और यहाँ पे मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है अभी के लिए, तो अटैकिंग थर्ड में ये दोनों ही मेरे लिए बेटर चॉइस हैं, गुआर्डियोला और होसेलू, ये डिफेंसिवली कुछ पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। इसके सिवाय लुकस पेरेस का भी ऑप्शन होगा, काफ़ी सारे लोग हो सकता है इनको लें, काफ़ी सारे लोग नहीं लें, आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं अभी तक तो, इसीलिए मैं बड़ी लीग के लिए सजेस्ट करूँगा, स्मॉल लीग में आप ना ही लें तो बेहतर। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस की बात करें तो डिफेंडर्स के साथ आप जा सकते हैं, लेकिन अगर समझ लीजिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं दोनों टीमों के डिफेंडर्स वगैरह और ज़्यादा गोल कंसीड करना पड़े तो प्रॉब्लम आ भी सकता है, लेकिन मेरे लिए इनिशियली अगर मैं बताऊं तो नवारो यहाँ से और एलियामिक अगर खेलते हैं तो, नहीं तो दुआर्ते के साथ भी आप जा सकते हो, मतलब ऐसा कुछ चॉइस है। मिडफील्डरों में से टोनी विया, मेंडेस ये एक ऑप्शन हैं, और अटैकिंग थर्ड में तो ऑफकोर्स ये दोनों प्लेयर्स ही आपके पास अवेलेबल हैं, होसेयू और गुआर्डियोला, जिनके साथ आप जा सकते हो। बाकी लाइनअप आने के बाद हमें देखना पड़ेगा कौन कौन प्लेयर किस पोजीशन पे खेल रहा है उनके जगह पर, मतलब यहाँ से जो जो प्लेयर हम प्रेडिक्ट करें हैं उनमें से कौन नहीं खेल रहा है कौन खेल रहा है, उसी बेसिस पर हम हमारी टीम जो है फॉर्म कर सकते हैं, और वो फाइनल टीम अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाना। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।